आप सभी को हमारे YouTube चैनल अब पड़ेगा इंडिया पे स्वागत है। हम लोग आज सेट प्रैक्टिस 14 का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर के आए, तो उसको हम लोग आज बना करके देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 81 नंबर से बोला कि अगले पद का क्या आएगा। BEH में आप अगर कॉमन देखेंगे तो तीन तीन का अंतर है। ठीक है, बी दो होता है, एच ई पाँच होता है और एच आठ होता है, तीन तीन का अंतर है। और फिर एच और के में भी तीन का अंतर है, फिर के में एन में भी बी तीन का अंतर, मतलब सारे में तीन तीन का अंतर है। तो जेड के बाद तीन हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तीन सी आएगा। सी के बाद तीन हम लोग क्या देखेंगे तो एफ आ जाएगा, और एफ के बाद तीन क्या आ जाएगा तो नाइन, तो आई आ जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो देखते हैं कि एट एट क्या है, एट में आप हम लोग लगाएंगे तो एट क्या है, दो का क्यूब होता है। ठीक है, और 28 क्या होता है तो थ्री का क्यूब प्लस वन है ना। और उसी तरह 27 क्या होगा, तो 27 जो है वो थ्री का क्यूब है, तो उसके बाद क्या होगा तो फोर का क्यूब क्यूब प्लस वन होगा, प्लस वन होगा। तो फोर का क्यूब 64 और प्लस वन 65, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 83। असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए। सबसे पहले क्या है, बकरी है, बकरी वो बकरी जो है वो हम लोग का हरा भरा जगह पर रहता है ना। कुत्ता भी हरा भरा जगह पर रहता है, गाय हरा भरा जगह पर रहता है, और ऊँट ऊँट जो है वो सिर्फ रेगिस्तान में रहता है, मतलब कि ज़्यादातर रेगिस्तान में रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 84। फोटो खींचने के लिए खिंचवाने के लिए चार लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। ए जो है बी के बाएं ओर है, बी के बाएं ओर कौन है, ए है। ठीक है, और सी बी के दाएं ओर है, सी जो है वो बी के दाएं ओर, और बोल रहा है कि डी जो है बी और सी के बीच में है। तो डी जो है बी और सी के बीच में, तो बाएं से दूसरा, तो दाएं ने तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, दाएं से दूसरा तो पहला और दूसरा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है। यदि एडवेंचर को किसी कूट भाषा में ERDA करके ऐसे लिखा जाता है तो ग्रीन को कैसे, तो आप देख सकते होंगे कि ई इसमें जो ए है वो इसमें कूट भाषा में क्या है, लास्ट में है। ठीक है, डी जो है वो सेकेंड लास्ट है, मतलब कि एडवेंचर को अपोजिट साइड से लिखा जा रहा था, उसी तरह हम लोग ग्रीन को भी अपोजिट साइड से लिखेंगे। तो ग्रीन के अपोजिट साइड लिखेंगे तो लास्ट में आएगा, तो पहले आ जाएगा एन, फिर डबल ई और फिर आर और फिर जी, तो ऑप्शन हम लोग मिला लेंगे, तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। यदि पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, ठीक है, पी इंटू क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, और पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माता है, तो सी माइनस ए प्लस बी में क्या कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो सी माइनस ए एक माइनस का कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, तो क्यू की माता पी है, तो यहाँ पे ए की माता सी हो जाएगी, है ना, माता तो माइनस हम लोग लगा देंगे। ठीक है, और ए प्लस बी मतलब प्लस का हम लोग देखेंगे तो Q का पिता P था, तो यहाँ पे B का पिता क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो B का पिता A हो जाएगा, है ना, तो B का पिता A। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर यहाँ जाएंगे, एक जनरेशन ऊपर वहाँ जाएंगे, तो अब हम लोग को बोल रहा है कि निश्चित रूप से मतलब ऑप्शन में कौन सही है, तो C B की माता है, मतलब B की माता C है, नहीं एक दो जनरेशन हो गया, दो जनरेशन हो गया ना, तो दो जनरेशन हो गया तो वो दादा दादी में आ जाएंगे, है ना। तो ए का पिता बी है, ए का पिता बी है नहीं वो बेटा है। ठीक है, तो ए सी का पुत्र है, ए जो है वो सी का पुत्र है, सही बात है, ए जो है वो सी का पुत्र है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। यदि यही सही विकल्प का चयन के लिए बी का तत्व कौन होगा, बी का तत्व कौन, तो ऑप्शन हम लोग चलते हैं सिंपली, बी का तत्व ऐसे ही हम लोग अगर देखें तो बी के अंदर सिर्फ 7 है, 3 है और 6 है, सीधा आपको देखने से पता चल रहा है कि 7, 3 और 6 है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7, 3, 6 किस में है, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यश राज 4 मील उत्तर की ओर चलता है, 4 मील उत्तर की ओर चलता है। ठीक है,
4 मील उत्तर की ओर चला और उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, बाएं मुड़कर वो 6 मील चलता है, ठीक है। पुनः वो दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, फिर वो दाएं मुड़ करके 4 मील चलता है। इधर हम लोग जा रहे हैं तो दाएं हम लोग का इधर होगा, है ना। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से उसका दूर कितना है, तो प्रारंभिक स्थान से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेते हैं, पूरा को हम लोग नहीं लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से अगर आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से ये देखिए, ये भी ट्रेवल किया होगा शॉर्टेज ने, तो ये हम लोग का कितना चला है, तो इधर हम लोग का 4 चला है और ये कितना है, 6 है। तो नया अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कितना चला है। जो इधर देखिए, ये कितना आपका आ गया है, ये आ गया है 6 और ये 4 और 4 8 आ गया है ना। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली 8 का स्क्वायर रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 रूट अंडर 10, तो आपका हो जाएगा आंसर सी 10 मील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह शब्द स्ट्रक्चर से शब्दों का विकल्प को कौन सा बनाया जा सकता है, मतलब कि स्ट्रक्चर में विकल्प में जो दिया गया है वो कौन सा वर्ड बनेगा, है ना। तो देखते हैं ट्रीज, तो TREES, आप ट्रीज में देख रहे हैं तो होंगे कि ई का उपयोग 2 बार किया गया है, ई का उपयोग कितना बार किया गया है, 2 बार, लेकिन स्ट्रक्चर में आपका ई एक ही बार है तो सबसे पहले वो नहीं बनेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि REST, तो आर देख रहे हैं कि हाँ स्ट्रक्चर में है, ई भी एक बार स्ट्रक्चर में है, एस जो है वो भी स्ट्रक्चर में है, टी टी भी स्ट्रक्चर में है और फिर से एस, तो हाँ दूसरा एस भी स्ट्रक्चर में है, तो हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे हम लोग अब 90 नंबर, ठीक है। यदि 4 × 5 को 1625 बोला जाता हो, 3 × 8 को 964 बोला जाता हो, 2 × 6 को 436 बोला जाता हो, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 का 4 का स्क्वायर लिखा है, 5 को 5 का स्क्वायर लिखा है, 3 को 3 का स्क्वायर लिखा है, 8 को 8 का स्क्वायर लिखा है, 2 को 2 का स्क्वायर, उसी तरह 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब लोग 91 देखते हैं, यदि घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच, यदि एक घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच कितने घंटे और मिनट की सुई एक साथ मिलेंगे, ठीक है। हम लोग इसको देखते हैं, मान लेते हैं कि ये एक घड़ी है, ठीक है, ये जो है वो एक घड़ी है, इसमें इधर 3 बजता है, इधर 12 बजता है, इधर 6 बजता है, 2 से 3 बोल रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि जब भी आपको कितने बजे बजता है उसको निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला है कि आपको 2 बजे निकालना है, तो आप 12 से काउंट कर लिए कि 12 से 2 बजे तक कितना मिनट होगा, तो 12 से 2 बजे तक कितना मिनट होगा, तो 12 से 5 5 मिनट होता है, 1 5 मिनट होता है, और 12 से 2 10 मिनट होता है, ठीक है। तो 10 मिनट, और इसको गुना कर देना है 12/11 से, तो 12/11 से क्यों गुना करेंगे, तो इसलिए गुना कर दें क्योंकि 12 घंटे में 11 बार जो होता है वो घड़ी एक दूसरे का सुई जो होता है वो मिलता है, इसलिए हम लोग इससे गुना कर देते हैं 12/11 से, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो सिंपली 120/11 आएगा, ठीक है, 120/11 आएगा, और इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 × 10/11, ठीक है। तो आप और देखना है इसके बाद कि कितने बजे से बात कर रहा है, तो 2 बजे से बात कर रहा है, मतलब कि हम लोग का बेस्ट टाइम कितना है, तो बेस्ट टाइम 2 बजे है, तो 2:10 / 11 पे वो जो है 10/11 मिनट पे, 10/11 मिनट पे वो एक दूसरे से टकराएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, अगला प्रकृति क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, सबसे पहले एक स्क्वायर उसके ऊपर प्लस है, ठीक है। फिर आप देख रहे होंगे कि 45 डिग्री के, 45 डिग्री के अकॉर्डिंग वो घूम रहा है ना, तो यहाँ पे आया, फिर 45 डिग्री घूम कर 90 पे आया, फिर 45 डिग्री घूम कर यहाँ आएगा, तो नेक्स्ट 45 डिग्री घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक स्क्वायर रहेगा उसके नीचे प्लस, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ से मैथ आपका आ गया, बोल रहा कि किसी संख्या में से 600 का 75%
का दो तिहाई अगर घटा दिया जाता है तो 320 प्राप्त होता है। किसी संख्या, तो मान लेते हैं कोई संख्या है x, ठीक है, उसमें से घटाया जाता है, किसको घटाया जाता है, तो 600 का 75% का दो तिहाई, का मतलब गुणवत्ता का दो तिहाई जो घटा देता है, तो हम लोग को मिल जाता है कितना, 320 मिल जाता है ना। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बना करके, तो एक्स का इसकी हम लोग देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 3 से ये 6 कटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 75 2 जा 150 और 150 2 जा 300, तो एक्स माइनस 300 इक्वल टू 320, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 320 प्लस 300, तो 620 ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, तीन लड़कों का औसत आयु जो है वो कितना है, 16 वर्ष है, ठीक है। यदि उनका आयु औसत का अनुपात कितना है, 4, 5 और 7 है, तो छोटे लड़का का आयु, ठीक है, तो तीन लड़के का औसत है, तो कल के वीडियो में हम बता चुके थे कि जब भी औसत रहता है तो औसत को टोटल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल एज निकल जाता है, ठीक है। तो तीन लड़का है, ठीक है ना, उसका औसत एवरेज कितना है, 16 वर्ष है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज कितना हो जाएगा, तो 16 × 3 तो कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 4, 5, 7 है, उनका रेशियो एज का 4, 5, 7 है, ठीक है, तो 4x + 5x + 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो दो हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16x इक्वल टू कितना, 48, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3, ठीक है। तो सबसे छोटे लड़का का एज हम लोग से पूछ रहा है, तो सबसे छोटा हम लोग देख लेंगे कि किसका है, तो सबसे छोटा रेस ये लड़का क्या बोलेगा, तो जिसका रेशियो सबसे छोटा रहेगा तो वही सबसे कम आयु होगा, तो ठीक है। तो इसमें तो 4 × 3 = 12, मतलब कि सबसे कम आयु का लड़का कौन है, तो 12 साल का है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि तीन मित्रों PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 निवेश किया, 2 वर्ष के बाद 16 कितना 1,64,000 रुपये का कुल लाभ क्यू में से क्यू का भाग क्या होगा। सबसे पहले PQR यही है ना, तो P का कितना है, 45,000 × 2, 2 वर्ष के लिए है इसलिए हम लोग दो, जितना वर्ष के लिए रहेगा उतना इंटू करते हैं हम लोग, क्यू का 70,000 है, ठीक है, 70,000 2 वर्ष के लिए इसका भी, और आर का जो है वो 90,000 है, 90,000 है, तो इस × 2। अब इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में, मतलब रेशियो में, एक तरह से बहुत सारे रेशियो में ले आते हैं, तो ठीक है, तो 3 0 से 3 0 से 3 0 ये तीनों कट जाएगा, ठीक है। और भी हम लोग सोचेंगे 5 से, तो 5 से ये 9 आ जाएगा, 5 से ये 14 आ जाएगा, ठीक है, और 5 से ये 18 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अब नहीं कट रहा है, 2 से 2 सारे में कॉमन है तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास रेशियो क्या आ गया, 9, 14 और 18, है ना। तो बोल रहा है क्यू का भाग, तो क्यू कौन सा है, ये वाला क्यू है, ये है, तो जिसका पूछेगा उसका हम लोग ऊपर रखते हैं, उसका निकालना है, तो उसका भाग बटा टोटल, तो टोटल हम लोग कितना आएगा, तो 9 + 14 + 18, तो जोड़ेंगे तो 9 + 14 + 18 कितना आ जाएगा, 41, ठीक है ना। तो 41 / 41 इंटू टोटल कितना है, टोटल पैसा कितना है, तो 1,64,000 है, टोटल कितना है, 1,64,000, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो
डिवाइड करने के बाद हमारा, तो 41 फोरजा हम लोग अगर देखेंगे, 41 फोरजा, तो 41 फोरजा कितना होता है, 41 फोरजा होता है 164, ठीक है ना। तो ये हम लोग का कट जाएगा, ये हम लोग का 4000 के टाइम में वो कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल क्यू का आंसर कितना हो जाएगा, क्यू का आंसर कितना हो जाएगा, तो 4000 × 14, ठीक है। तो आप 14, ठीक है, तो 14 फोर जा कितना होता है 56, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 56000, आंसर 56000, जो कि ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए गए, तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय। तो सबसे पहले एक टंकी को भरने में 6 घंटा लगता है, तो आधा टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा, तो 3 घंटा लगेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी 3 टंकी और खोल दिया जाता है, तो मतलब कि अब एक टंकी जो है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, एक एक नल जो है वो, एक पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/6 भरेगा, भरेगा ना। तो इसी तरह 4 पाइप जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो 1/6 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 3/2/3, तो 4 नल जो है वो 1 घंटे में, 1 घंटे में है ना 2/3 काम करेगा, या फिर 2/3 भाग भर देगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि आधा काम कितना देर में करेगा, ठीक है ना। तो आधा काम, आधा भाग भरने में, आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा जो पूछ रहा है, ठीक है। तो आधा भाग भरने में कितना लगेगा, तो 1 घंटे में 3/2 × आधा भाग, आधा भाग भरना है ना, तो कितना हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपली 3/4, मतलब कि 3/4 घंटा, मतलब कि आवर या फिर मिनट आप लिख सकते हैं, आवर, ठीक है ना। 3/4 आवर लगाएगा आधा भाग भरने में, ठीक है। अब इसको हम लोग 3/4 आवर है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 3/4 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 3/4 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2:30, ठीक है, और 2:15, तो कितना मिनट हो जाएगा, 15 × 3 45 मिनट, 45 मिनट। अब ध्यान देते होंगे कि पहला जो आधा था वो एक टंकी कितना में भर दिया था, तो 3 घंटा में भर दिया था आधा, है ना। तो और आधा जो है बाकी 4 को मिलके कितना देर में भर दिया, तो 45 मिनट में ही भर दिया। तो टोटल समय कितना लगा, तो 3 आवर 45 मिनट, ठीक है ना। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 97। 15,000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपया, तो वार्षिक दर कितना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आप फॉर्मूला यहाँ पे जानते होंगे कि अमाउंट बराबर होता है P × 1+R/100 का पावर T, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग 15,000 + 2,496 को जोड़ेंगे, तो 17,496 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला के नीचे लिखते जाते हैं 17,496, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है, तो 15,000 है, ठीक है, और 1+R नहीं पता, निकालना हम लोग को, बटा 100, और T कितना है, 2 साल, ठीक है। तो यहाँ पे आप 17,496 डिवाइडेड बाई 15,000 कर सकते हैं, और 1+R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको अब डिवाइड कीजिएगा
दोनों को आप आपस में कट कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 625 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कट करके देख लीजिएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 729 किसका स्क्वायर, जो बताइए। तो 729 जो है वो 27 का स्क्वायर है, और 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है। तो ये होल स्क्वायर हो गया इजकल टू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। अब जानते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ रहता है तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाता है, तो स्क्वायर हमारा ये यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 27/25 इजकल टू 1 प्लस R/100। ठीक है ना, तो हम लोग R/100 को वहीं पे छोड़ करके 1 को इधर हम लोग ले आएंगे, तो 27/25 -1 इजिकल टू R/100। ठीक है, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 25 उधर चल जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 2/25 बच जाएगा इजिकल टू R/100। ठीक है, तो 25 को 100 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो और R इजकल टू कितना निकल के आ जाएगा, R इजकल टू कितना जाएगा, तो 4 × 2 = 8, यानी कि 8%। हम लोग अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का इतना लेंदी में ना बना करके आप सिंपल में भी बना सकते थे, आप सिंपल में आप ऑप्शन को रख करके, ऑप्शन को पुट करके आप डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हैं, और ऐसे आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर परसेंटेज दिए रहता तब उसका शॉर्टकट तरीका था, पर ऐसे इसका कोई शॉर्टकट तरीका शायद नहीं है, तो आप ऑप्शन रख के बनाइएगा, बहुत जल्दी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 98। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका विकर्ण जो है वो 26 सेंटीमीटर, विकर्ण हाइपोटेनस को बोलते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो एक सम कोण है, ठीक है ना, उसका जो है आपको विकर्ण जो है 26 दे दिया है, इसको मान लेते हैं कि आपका ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो उसका जो परिमिति दिया है वो दे दिया है आपका 60, मतलब कि H प्लस B और प्लस H हाइपोटेनस जो है वो आपका दे दिया है कितना, 60। ठीक है ना, तो आप जान लीजिए कि H कितना हो जाए, H माइनस, इसको P भी बोलते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, P परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, इसको P भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो P प्लस B प्लस 26 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस हम लोग को दे दिया है। ठीक है, तो P प्लस B इजकल टू 60 माइनस 26। ठीक है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो P प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आप मान के चलिए कि आपका यह की है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पास एक फॉर्मूला होता है कि P² + B² बराबर H² होता है ना। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, P² + B² इजकल टू H² मतलब 26 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक फॉर्मूला, तो A + B² इजकल टू क्या होता है, तो A² + B² - 2AB होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर हम लोग उठा करके और ले आएंगे, तो क्या होगा, तो A + B² - A² + B² इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू 2A² + B² तो यहाँ पे हम लोग एक देखिएगा कि A + B इजकल टू कितना आया था, 34 आया था ना, तो यहाँ पे A प्लस पी प्लस
पी प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ए तो पी प्लस बी का होल स्क्वायर का कितना आ गया, तो 34 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस ए स्क्वायर और माइ प्लस बी स्क्वायर का कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी का हम लोग यहाँ पे देख ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 26 का होल स्क्वायर आया था, ठीक है। तो 26 का होल स्क्वायर, तो माइनस 26 का होल स्क्वायर इजकल टू 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, तो 36 प्लस 26 इंटू 36 माइनस 26, सॉरी 34 प्लस 26 और 34 माइनस 26, तो 34 प्लस 26 कितना हो जाएगा, तो 60, और इंटू 34 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 8 इजकल टू कितना हो जाएगा, इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा ना। तो ab, तो ab इजकल टू क्या हो जाएगा, ab इजकल टू, तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 2 से यहाँ पे 8 कटेंगे तो 4 टाइम में कट जाएगा, तो 6 4 20 8, यानी ab इजकल टू कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, देखिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग क्षेत्रफल यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1 बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, होता है ना, बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका हम लोग 1 बाई 2 और इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग निकाल के ले आए थे ए बी, उसी को हम लोग लिए थे, हाइट और बेस को ही ले रहे थे, तो इसमें हाइट और बेस कितना आ गया था, 240 आ गया था, 240 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट और बेस को गुना में 240, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 120 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया है, आप देख लीजिएगा आपके बुक में होगा 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99। एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक मीनार ये है ना, और इस पे जो है इस पे ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका जो बेस है मीनार की पाद से, मतलब कि उसका बेस है ना, तो बेस जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर या फिर मीटर दिया है, 30 मीटर दिया है, ठीक। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब कि ये हमारा ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसमें आपको एक, हम याद करने के लिए हमेशा लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ट्रिक मान लीजिएगा कि इसको याद रखने का कि लाल बट्टा कक्का, ठीक है ना, ये होता है वो साइन के लिए होता है, ये जो होता है वो कॉस के लिए होता है, और ये जो होता है वो टैन के लिए होता है, और टैन के लिए होता है, ठीक है। इसमें लाल क्या है, एल क्या है, तो एल लंब है, के कर्ण है, ए जो है बेस है, और के फिर से यहाँ पे कर्ण है, और एल जो है वो लंब है और ए कर्ण है, तो हम लोग इसमें टैन लगाएंगे, तो टैन कौन बताए, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, हाइट को बोलते हैं, और बेस किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, आधार, तो बेस को बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, टैन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया, पी बटा ए, यही है ना, ठीक है। तो
तो हम लोग देखते हैं कि टेन थर्टी, टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है? तो टेन थर्टी का वैल्यू जो होता है वन बाई रूट थ्री होता है, वन बाई रूट थ्री होता है। और हम लोग का जो परपेंडिकुलर नहीं दिया और बेस दिया है थर्टी दिया है, तो सिंपली परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? तो थर्टी इंटू वन बाई रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो थर्टी बाय रूट थ्री, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो रूट थ्री बाय रूट थ्री, ठीक है ना? तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्टी रूट थ्री, और थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा, थ्री से ये कट जाएगा टेन टाइम में, है ना? तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? टेन रूट थ्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, आखिरी क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है ना? उसमें ए जो है वो बी का 1/2 है, बी जो है सी का, सी से 12 डिग्री ज़्यादा है, और सी जो है 2D। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि डी जो है वो एक्स डिग्री है। ठीक है, पीछे से चलते हैं, आसान होगा हम लोग के लिए। तो सी कितना हो जाएगा? सी कितना हो जाएगा? तो 2D है ना, तो यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और b कितना हो जाएगा? तो b जो हो जाएगा वो 2x प्लस 12 हो जाएगा, सिंपल 2x प्लस 12 हो जाएगा, है ना? तो और a कितना हो जाएगा? तो a जो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2x प्लस 12 हो जाएगा, 2x प्लस 12 हो जाएगा। इसको और आप लिख सकते हैं, टू को कॉमन निकालिएगा तो टू से टू कट जाएगा, तो एक्स प्लस सिक्स भी बोल सकते हैं ना, एक्स प्लस सिक्स। ए इजकल टू कितना हो जाएगा? ए इजकल टू एक्स प्लस सिक्स, पेन नहीं चल रहा, एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि आपका ए और डी का एंगल कितना होगा, ए और डी का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि क्वाड्रिलेटरल का जो ऑल एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो ए ए कितना है? एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, बी कितना है? तो बी है 2x प्लस 12। ठीक है, और सी कितना है? तो प्लस 2x, और ए कितना है? तो एक्स, है ना? ये सबको मिला के कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, तो टू और टू फोर 5x6, यहाँ पे 6x प्लस 6 और 12 18 इजकल टू 360। ठीक है, ठीक है, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? तो 360 माइनस 18 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 342। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 57। ठीक है, x आ गया 57। अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अब आपका क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि a और d का एंगल का मान कितना होगा। तो a और d का एंगल का मान आपका पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। a का कितना आया था? तो a का पहले था x प्लस 6 और प्लस आपका x, d का x था और a का आया था x प्लस 6 आया था। ठीक है, अब a का x का जगह वैल्यू आप पुट कर दीजिए 57, 57 प्लस 6 प्लस 57, है ना? तो 57 टू जा आपका हो जाएगा 114, और प्लस 6 यानी कि 120, 120 आप आंसर देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे पूरा ये सेट खत्म हो गया। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।